मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जी और 24th को भी पिक्चर आ जाएगी आई होप सबको पसंद आएगी जैसे ट्रेलर सबको पसंद आया है ऐसे ही फिल्म भी सबको पसंद आएगी क्योंकि फैमिली फिल्म है ये तो सारी फैमिली एक साथ बैठ के देख सकती है एकदम सही कहा इन्होंने और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी फिल्म इस चीज़ की बहुत खुशी है हमें ऑलरेडी पसंद आ रही है जो बच्चे यू नो ट्रेलर्स देख रहे हैं उनको मज़ा आ रहा है और एग्ज़ाम्स के बाद रिलीज़ होगी तो सही समय एकदम थिएटर जाके अच्छी फिल्म देखेगा है कि नहीं और जो बने आप जो भी आपका किरदार है वो कैसा रहा एक्सपीरियंस रियल लाइफ में कभी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा आपको या कभी हुआ है मतलब मुझे लगता है कि भूत होंगे ऐसे कभी कभी ऐसा एहसास भी होता है और मुझे खुद भूत बनने में बहुत मज़ा आया क्योंकि कितना इंसान बनोगे यार है ना अलग करते रहना चाहिए तो भूत बन के बड़ा अच्छा लगा मुझे मुझे लगा कि मैं भूतों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और उनकी आवाज़ में मैं बन रही हूँ उनकी फीलिंग्स आप तक पहुँचा पा रही हूँ तो अंशय लाल जो डायरेक्टर है फिल्म के तो उनके एक दोस्त थे जिनकी शादी एक्चुअल में पेड़ से कराई गई थी क्योंकि वो उनका दोस्त मांगलिक था तो वो लोग ना उसका ऐसी मजाक उड़ाया करते थे कि अरे अगर कोई भूत होगा पेड़ पर तो देर पर जमड़ जाएगा उन्होंने तो वहाँ से उसको एक आइडिया आया था जो उसने करनेश को सुनाया था और उसको वो इंटरेस्टिंग लगा एंड देन उन्होंने एक स्टोरी उसके अराउंड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई तो सीड आइडिया की उनके दोस्त की लाइफ स्टोरी से आई सर जिंदगी में अगर शादी ब्याह की बात होती तो ये मांगलिक और ये सब आप कितना विश्वास करते हैं नहीं ना मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप विश्वास रखते हैं तो होता है अगर आप विश्वास नहीं करते तो नहीं होता मेरा ये मानना है यूजुअली हर चीज़ से मैं इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचती नहीं हूँ ना कि मैं एक्चुअली मैंने कभी सोचा भी नहीं है हालांकि मेरे भाई भी मांगलिक हैं उनको सोचना पड़ेगा मैम इंडस्ट्री में से आपको कौन सा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला किस किससे इंडस्ट्री से आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला बहुत बहुत ही जैसे बोलते हैं एनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिला है इंडस्ट्री के सारे दोस्तों से और मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं उन सब से और ऑब्वियसली मुझे बहुत खुशी होती है ये जान के और ऑडियंसेस से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ट्रेलर का जो जिस चीज़ से यू नो यू फील वेरी हैप्पी क्योंकि अक्सर अगर आप कुछ अलग चीज़ करते हैं तो आपको थोड़ा डर लगता है कि यार ये लोगों को अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा लेकिन लोगों को अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है तो बहुत हमें बड़ा अच्छा लग रहा है हाय दिस इज अनुष्का शर्मा विशिंग ऑल यू ब्यूटिफुल लवली स्ट्रॉन्ग वुमेन वेरी हैप्पी 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 वुमेन्स डे अनुष्का आप प्रोड्यूसर भी हैं और प्रोटैगनिस्ट भी हैं और साथ ही साथ इसमें रैप भी गाया आपने सो कितना डिफरेंट है डिफिकल्ट था आपके लिए ये सब चीज़ों को जगल करना और कैसा रहा था आपका मतलब प्रोसेस क्या था देखिए रैप के बारे में तो बस ये कहूँगी कि मेरे को दिलजीत ने बोल दिया मैंने बहुत अच्छा किया है तो नाउ आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट यू नो बिकॉज ही दिलजीत वुड नो ही इज़ अ सुपर्ब सिंगर
तो बस दैट्स इट, उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे मिल गया था, फीलिंग ग्रेट था. एक्टर तो हो जाता है, वो तो कर ही लेती हूँ मैं, थोड़ा समय से कर रही हूँ तो कर लेती हूँ. प्रोड्यूसर बन के इस फिल्म में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मम्मा का फ़ोन आ रहा है. हाय आंटी, अभी वो आंटी वो इंटरव्यू में, अभी तो आपको बाद में फ़ोन करती है, मैं अनुष्का बोल रही हूँ. हाँ आंटी, आपका नाम कृतिका. आंटी कृतिका बाद में फ़ोन करेगी, अभी वो इंटरव्यू में है. मेरा ले दी आंटी, अनुष्का का, अनुष्का शर्मा का. ठीक है आंटी, ओके आंटी. आंटी ने कहा वापस कर देना बेटा फ़ोन. हाँ, और ये मज़ा आ रहा है क्योंकि ये फिल्म मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इसको बना पा रही हूँ, और हम सब ने इस फिल्म में जो पोटेंशियल देखा है वो लोगों को भी दिख रहा है, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है ये सब देख के. इससे पहले आपका जो उल्टा पंजाब में एक कॉप का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, इस बार कुछ अलग किरदार है, तो क्या कुछ फर्क नज़र आ रहा है, और कितना आपको मतलब क्या कुछ कहना चाहिए अपने किरदार पे? हाँ, काफ़ी फ़र्क है. वो आज के मुद्दे की फिल्म थी और ये एक पुरानी पंजाब की फिल्म है, तो ऑब्वियसली फ़र्क तो है. अनुष्का, आपने अभी रिसेंटली इम्तियाज अली सर के साथ भी काम कर रही हैं, आपकी अगली फिल्म शादी के साथ है, सो हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ डिफरेंट एक्सपीरियंस इट इज? मैं तो बस फिलौरी की बात करूँगी. अच्छा, फिलौरी. अभी तो उस, अभी तो बात करेंगे उसके बारे में, तो तब क्या बात करेंगे? तो कुछ आप गा के सुनाइए हमें, जो आप वो रैप रैप कुछ समथिंग. यस, डू यू वांट मी टू रैप? या डन. सॉरी, आ जा फिर से दोहरा जरा, पूरे पिंड के आगे बनता गबरू बड़ा, जा तेरे जैसे देखे बड़े, मैं हूँ लाखों में एक सबसे परे, मैं ही बन जाऊंगी पहचान तेरी, तेरा कदर तू करना दा मेरी, तू है शेर तो मैं सवा शेर, ये समझा दू न रहना तू धोखे में यूं, जा दूर फिटे में. अनुष्का, जो आपने अभी रिसेंटली काम किया है हाँ, आई थिंक इफ यू सिंसियरली फील सो वेरी स्ट्रांगली अबाउट समथिंग, एंड लाइक वट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ हैज ऑलवेज कम फ्रॉम स्ट्रांग इंस्टिंक्ट्स, यू नो, समथिंग दैट फ्रॉम इन साइड ऑफ मी टेल्स मी दैट आई शुड डू समथिंग, सो आई लिसन एंड आई डू इट, देन आई डोंट गेट स्केयर्ड. सो आई थिंक द आइडिया इज दैट यू नो यू ऑलवेज नो वॉट इट इज दैट यू हैव टू डू, वॉट लाइफ यू नो वेर यू वॉन्ट टू बी पुश्ड, यू नो वेर यू वॉन्ट योर लाइफ टू पुश यू. So you should listen to yourself and you should back yourself and support yourself. Only when you support yourself can anybody else support you. Anushka, you have been an actor since a long time. You're two films old as a producer. Dono mein se kaun sa job aap kaun sa zyada prefer karte hain, zyada enjoy karte hain as an actor as a producer? Dono. I think maine abhi realize kiya hai ki jab mere paas zyada responsibility hoti hai to I perform better, kyunki you know I get to collaborate on a film from scratch, from the beginning of it, from the inception of it, and ये बहुत ही एक creatively satisfying experience होता है. तो मेरे लिए दोनों चीज़ें enjoy करती हूँ. जब मैं इम्तियाज़ अली के सेट पे जाती हूँ तो मेरे को कोई मतलब ज़्यादा मेरे को अपना काम करना होता है, वापस चले जाना होता है, लेकिन जब खुद की फिल्म होती है तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, जो वो भी मैं बहुत ज़्यादा enjoy करती हूँ. सो आई थिंक बोथ इज़ गोइंग गुड फॉर मी. आप ये जो भूत का कैरेक्टर है और इसमें आप कभी हवा में भी छूट रहे हैं, कभी शैंडलियर को टच करके उसको weird reactions there. How tough it is and kya wo process kya tha? It was all VFX or kya tha? Yeah, it's completely VFX. Red Chillies has done the VFX, so Ketan and Harry have done a phenomenal job with it. क्योंकि ये जो character बना है actually भूत का, ये बहुत अलग चीज़ है. ऐसी entity, ऐसा character actually कभी बना नहीं है. You know, gold dust से वो form होती है, gold dust से वो decimate होती है. तो इसका पूरा क्रेडिट वीएफएक्स की टीम को जाता है, और अंशय और हैरी की जो विजन थी उसको क्रेडिट जाता है.
अनुष्का ने तो रैप करके सुनाई थी, अगर आप भी कुछ लाइन गुनगुना सके तो साथ में या फिर मैं तो अभी किया नोटी नोटी बिल्लो मैं झूठ बोलिया कोई ना जी कोई ना नोटी नोटी बिल्लो कल रात अकेली ना होई सोई ना मैं कैसे लेती हूँ पर्सनली? आई थिंक आपको समझना चाहिए कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं या यू नो ऐसे आपको ट्रोल करते हैं, ये बहुत ही बुजदिलगी करेक्ट होती है. एंड अगर कोई सच्ची में कोई अच्छा इंसान है और अगर यू नो कोई जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं होता ऐसा बकवास करने का. फालतू लोगों के पास टाइम होता है ऐसी बकवास करने. अच्छा अनुष्का जी, आखिरी सवाल ये है कि क्योंकि प्रोड्यूसर की भी बात हुई, तो हम ऐसा क्योंकि हमें आप पिछले एन एस टेन भी हमें देखा था एज एन प्रोड्यूसर भी, आपको हम ऐसा माने कि इन फ्यूचर एज एन बिजनेस वूमेन बनने की भी तैयारी कर रही हैं हम ऐसा माने? यू नेवर नो, यू नो सून. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और किस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे आप? अभी मैं वेरी सून आई बी आई टेल यू. हम साथ में कर लेते ठीक है. हाँ जी. आई दिस अनुष्का शर्मा. सत श्री अकाल, दिस इज दिलजीत दोसांझ. हैप्पी होली. चक दो बटो. Thank you. 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 Thank you, everybody.